नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो शेयर है अदानी ग्रुप से जुड़ा हुआ, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 1103 रुपीज़ के आसपास। और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि क्या हमें क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बाद क्या हमें इस शेयर में एंट्री करनी चाहिए, अगर आपके पास है तो क्या करना चाहिए, अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैं इसमें एक सीधी बात बोलूँगा कि क्या करना चाहिए, वो मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा। उससे पहले हम थोड़े से इसके फंडामेंटल देखते हैं, क्या चेंजेस हुए इसके फंडामेंटल में, क्या अभी इसके फंडामेंटल देखने के बाद इसे हमें लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मार्केट कैप की बात करें तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है जो कि बहुत बड़ी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1.73 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैप है, जो कि एक इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इसे अदानी ग्रीन भी है। तो अगर इसकी पीई की बात करें तो इसका पीई बहुत ही हाई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका पी इतना 1200 के आसपास हुआ करता था, जो कम होकर 842 के आसपास आ गया है, और अभी भी ये शेयर बहुत महंगा है। और क्या स्टॉक का पी इतना हाई होने के बाद स्टॉक में एंट्री नहीं करनी चाहिए, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आपको स्टॉक को एनालिस करना आना चाहिए, स्टॉक का पी हाई है उस पर ध्यान देते हुए आपको स्टॉक को एनालिस पूरी डिटेल चेक करनी चाहिए, उसके बाद कंपनी में एंटर करना चाहिए। अगर पी की बात करें तो अगर स्टॉक का पी इतना हाई है तो स्टॉक का पी सब कुछ नहीं होता, उसके फंडामेंटल, उसका रिवेन्यू, बैलेंस शीट सब कुछ चेक करके ही हमें स्टॉक के में एंटर करना चाहिए। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इसका डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद अभी तक इसने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है, जो कि इस शेयर के लिए हम बोल सकते हैं। ये डिविडेंड भी कहाँ से देगी, ये शेयर बहुत ही डेट लेके चलता है हर बैंक से। अगर आपको पता होगा अदानी ग्रुप का हर शेयर बहुत ही डेट लेके अपना काम करता रहता है, और ये ऐसा ग्रुप है जिसको डेट मिलता भी रहता है। इसकी बात भी मैं आगे करूँगा, लेकिन अभी मैं चलता हूँ शेयर के थोड़े से फंडामेंटल चेक करेंगे, इनके रेवेन्यू पर क्या असर पड़ा है। दोस्तों, परसों ही इसके रिजल्ट आए थे और इसके रिजल्ट में बहुत ही अच्छा जंप देखने को मिला, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। मैंने इसका रिजल्ट निकाला हुआ है क्वार्टरली वाइज, तो मार्च 2020 में इसका जो प्रॉफिट हुआ करता था 56 करोड़ हुआ करता था, और अगर इस साल की बात करें मार्च 2021 की, जो इसका प्रॉफिट बढ़ा है वो हो गया 2034, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। और जंप देखे तो बहुत ही बड़ा जंप इस शेयर ने लगा दिया है। और इस शेयर ने ऐसा जंप क्यों लगाया, क्योंकि अगर मैं इस शेयर में बोलूँ, हर कोई बोलता है कि फ्यूचर सोलर पावर का है, उसी से जुड़ा हुआ ये शेयर है। सोलर पावर, सोलर प्लांट, इसको इतने बड़े बड़े ऑर्डर भी मिले थे, जिसके कारण हमें इसके रेवेन्यू में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। और अगर इसके थोड़ा आगे कर जाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके शेयर होल्डिंग बैठे, इसमें आपको थोड़ी सी चेंजेस दिखेगी। आप देख सकते हो इसके जो प्रमोटर के पास शेयर हुआ करते थे वो 74.92% हुआ करते थे, जो कि दिसंबर तक इन्होंने कंटिन्यूसली ये बना के रखा हुआ था, लेकिन इस बार मार्च में आप देखोगे कि इन्होंने अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो कम कर ली है। और आप देखोगे जो इन्होंने शेयर होल्डिंग कम की है वो एक अच्छे खासा अमाउंट कम किया है, आप यहाँ से देख सकते हो। लेकिन इतना कम कर लिया है कि हमें इस शेयर से बाहर निकल जाना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें एक बार नोटिस करोगे, इन्होंने अपने जो प्लस शेयर हुआ करते थे वो कम करते करते 0.83% ले चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। और अभी बात करें तो कंपनी अपने प्लस शेयर ऑलमोस्ट छुड़ा लिए हैं, और उनको पैसों की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, तो इनको अपने फिर से प्लस शेयर रखने पड़ेंगे। तो अगर ये चाहती है तो प्लस शेयर रख सकती थी, या तो इसको अपनी जो होल्डिंग है वो कम कर सकती है, क्योंकि होल्डिंग कम करने से जो यहाँ पे होल्डिंग थी वो पब्लिक के पास जाएगी, पब्लिक पैसा लगाएगी, जो कि सीधा सीधा बेनिफिट इस शेयर को ही होगा। तो इस शेयर को ऐसा मत देखिए कि इन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है, ऐसा देखो कि पैसे की ज़रूरत है तो इन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है। क्योंकि अगर बात करें तो इस पे पहला ही डेट बहुत है, तो और बैंक भी कितना डेट दे सकती है, एक लिमिट तक ही डेट देती है। अगर बैंक डेट ना दे पाए तो उसके बाद जो उनके शेयर होते हैं वो प्लेस रखना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इसके शेयर होल्डिंग बैटर कम हुई है, लेकिन इतना डरने की बात नहीं है। अब मैं अगर इसके FIs की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो FIs का डाटा भी। अगर बात करें दिसंबर 2020 की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो FIs का जो डाटा हुआ करता था वो हुआ करता 23 के आसपास, जो कि अब कम करके 21.47 कर दिया है। थोड़ा सा इन्होंने भी अपनी होल्डिंग कम की है, आप यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हो। अगर DIs की बात करें तो DIs ने भी अपनी जो होल्डिंग है वो 0.1% कम की है, आप यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हो। अगर तीनों की बात करें, प्रमोटर, FI या DI, तीनों ने अपनी होल्डिंग कम की है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं विश्वास है कि शेयर कुछ कर सकता है, इतनी कम नहीं की है कि हमें इस शेयर से एग्जिट कर देना चाहिए। अगर पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक के पास अभी जो होल्डिंग है वो बढ़ के आ चुकी है 21.94%, जो कि इस शेयर के, जो इस शेयर को बाय करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। ये फ्यूचर में धमाल कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसकी बात आगे करेंगे। तो दोस्तों, अगर इसकी बैलेंस शीट की बात करें, ये हाल ही परसों ही इसका रिजल्ट आया था, इसकी बैलेंस शीट में हमें साफ साफ प्रॉफिट जंप करते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ईयरली वाइज देखें तो बहुत अच्छा जंप देखने को मिला है, और क्वार्टरली वाइज देखें तो उसमें भी हमें जंप देखने को मिला है। सीधी सीधी बात करूँ तो इसका जो प्रॉफिट हुआ है वो 2 गुना हो चुका है इस बार, जो कि हमें कहीं ना कहीं ये बता देता है कि फ्यूचर में सोलर पावर का वो स्कोप है, सोलर वाले जो शेयर है वो हमें अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो आप ये चीज़ नोट करके चलना,
कि सोलर वाले जो शेयर है वो हमें फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। आपको बहुत सारे थंबनेल मिल जाएंगे यूट्यूब पे कि हमें ये शेयर करोड़पति बना देगा, करोड़पति बना देगा। सोलर पावर का स्कोप है, हाँ ये बना सकता है, लेकिन हमें इसके फंडामेंटल में भी भूलना चाहिए कि इसके फंडामेंटल कैसे हैं। कई लोग हैं जो इस शेयर को रिस्की मानते हैं। इनका रिस्की मानने का कारण क्या है, इनके पे जो डेट हुआ करता है। आपको मैं इसकी सीधी ही बैलेंस शीट पे लेके जाता हूँ। इसके जो फ्लैश शेयर हुआ करते थे वो तो काफ़ी हद तक छुड़ा लिए हैं, लेकिन इसके जो डेट है वो भी अभी बहुत ज़्यादा है। अगर इसकी बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो इनका जो सरप्लस में बैलेंस हुआ करता था वो नेगेटिव में हुआ करता था, जो कि इस बार क्वार्टर में पॉजिटिव में आ चुका है। आप देख सकते हो 906 करोड़ के आसपास इनका सरप्लस में बैलेंस है, जो कि इस शेयर के लिए बहुत अच्छी बात है। एकदम नेगेटिव से निकल के बाहर आए हैं और बाहर आने के बाद 900 करोड़ का सरप्लस में बैलेंस आ चुका है। ये शेयर के लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए ये शेयर बोरिंग बहुत उठाता है। इनकी बोरिंग देखें तो ये कितना बड़ा जंप इस शेयर ने लगा चुका है बोरिंग पे, आप साफ साफ देख सकते हो। ये इस अदानी ग्रुप के शेयर की यही बात होती है कि ये कर्जा ले लेके ही काम करती है। और अगर इस बार का कर्जा देखें तो इस बार का कर्जा अभी बढ़ा है। जिस दिन ये कर्जा कम करने लग पड़ेगी उस दिन पे जो मैंने थंबनेल में बड़ा बड़ा लिखा कि इस शेयर को रिस्की भी कई लोग बोलते हैं, वो इसी कारण बोलते हैं। अगर शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो इनकी शॉर्ट टर्म बोरिंग पहले हुआ करती थी 415 करोड़ के आसपास, जो कि अब बहुत ही बड़ा जंप लगा दिया है, जिसके कारण इसे रिस्की शेयर कैटेगरी में रखा भी जाता है। और इतनी बड़ी कंपनी को रिस्की कैटेगरी शेयर में रखा जाता है तो वो अदानी का ही हो सकता है। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि इतनी बड़ी कंपनी को रिस्की कैटेगरी में रखा जाए। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इसकी एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छी लगेगी कि इन्होंने डेट उठाया है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि टोटल एसेट जो इनकी है वो एकदम से दुगने हो चुके हैं, दुगने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये डेट उठा के अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है, जो कि शेयर के लिए बहुत अच्छी बात है। आपको ये सोच के चलना चाहिए कि हाँ इस पर डेट बोल लेती है ये कंपनी, लेकिन इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हो इनका जो कैश एंड कैश जो बैंक में इस टाइम अमाउंट पड़ा है वो पड़ा है 182 करोड़, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट अभी भी इनके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, जो कभी भी यूज़ कर सकती हैं। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहता हूं, हाँ ये स्टॉक रिस्की है, लेकिन इसके कुछ ऐसे भी फंडामेंटल है जिसके कारण हमें इस शेयर को बाय करके चलना चाहिए। तो इस शेयर पर आपको करना क्या चाहिए, तो दोस्तों मैं अपनी राय दे देता हूँ। जब से बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में आई है तब से इस शेयर में हमें जो भी अदानी ग्रुप के सारे शेयर हैं उसमें हमें एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। कोई भी अदानी ग्रुप का कोई भी शेयर निकाल लीजिए, मेरी आंखों के सामने सभी सब 70-80 के पास हुआ करते थे जब से मैंने पिछले 2 से 3 सालों पे इस पे नज़र रखी है। और आज जो शेयर है वो सारे के सारे 1000 क्रॉस कर चुके हैं एक शेयर को छोड़ के, उसका नाम है अदानी पावर। अगर अदानी पावर की बात करूँ तो मैंने कल ही इस पर वीडियो बनाई थी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं या मेरे चैनल पर जाके भी उस वीडियो को चेक कर सकते हैं कि मैंने उस पर अपनी क्या राय दी है। और अगर इस शेयर की बात करें अदानी ग्रीन, तो मैं इस शेयर में भी वही बोलने वाला हूँ, जब तक बीजेपी सरकार की गवर्नमेंट है आप इस शेयर को बाय करके चल सकते हैं। अगर बात करूँ जो बीजेपी सरकार है वो कहीं ना कहीं अदानी के जो शेयर हैं उनको सपोर्ट करती है, अदानी ग्रुप को सपोर्ट करती है, तभी ये कंपनी इतना डेट उठा के इतना अपना बिजनेस एक्सपेंड करी जा रही है। और इसका जो प्रॉफिट है वो साफ साफ शेयर होल्डर को दिखता भी है। तो लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ, इसके फंडामेंटल अगर रिस्की लग रहे हैं, लेकिन आपको इस शेयर में क्या करना चाहिए, जब तक आपको डर लगता है कि इस शेयर को बाय करके नहीं चलना चाहिए, लेकिन आपको ये मैं ये सलाह देना चाहता हूँ जो इसे बाय करके नहीं चलना चाहते उनको मैं ये सलाह देना चाहता हूँ, जब तक बीजेपी सरकार सेंटर में बैठी हुई है तब तक आप अदानी के कोई भी शेयर को बाय करके चल सकते हैं। जिस दिन बीजेपी सरकार की जगह कोई और सरकार आ गई तो आप इस शेयर से एग्जिट कर दीजिए, लेकिन आपको तब तक भी ये कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के दे सकती है। कहीं ना कहीं हमें क्या, अगर आपका कोई भी पर्सनल ब्रोकर या फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उससे आप पूछिएगा, इनका कोई ना कोई रिलेशन निकल ही जाता है अदानी प्लस बीजेपी। तो दोस्तों यही बोलना चाहता हूँ, अगर रिस्की लगता है तो तब तक इस शेयर को बाय करके चल सकते हैं जब तक आपको बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में दिख रही है। तो इतना डरने की बात नहीं है, अगर इसमें थोड़ा सा रिस्की कैटेगरी भी है तो इसमें थोड़े से प्लस पॉइंट भी है जो आपको इस शेयर पर अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही बोलना चाहता था कि इतने डरने वाली बात नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा जनरेट करके सरप्लस में बैलेंस भी 900 करोड़ से ऊपर का शो कर दिया है। और दोस्तों आगे फ्यूचर भी सोलर पावर का है जिसमें ये कंपनी बड़ा धमाल कर सकती है। तो दोस्तों मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, शेयर को बाय करके चल सकते हैं लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी मत उठाइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी या किसी भी शेयर के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हमारी टीम आपके सारे कमेंट पढ़ती है और आपका एक अच्छा सा आंसर देने की कोशिश करती है कि आपको सीधा सीधा समझ आ जाए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। आपको लगे कि नॉलेजेबल वीडियो बनाता हूँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतने, दोस्तों धन्यवाद।